फिक्स हो जाएगा? नहीं देखिए, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले मेरा मत है कि एक बार आपको अपने प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। हम कहीं राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं, हम कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण नहीं होगा, हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम कानून बनाने से पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि मंदिर के निर्माण का रास्ता बातचीत से हो सकता है, न्यायालय के फैसले से हो सकता है, वो कानून बना के हो सकता है। कानून बनाने की पद्धति अंतिम पद्धति में आता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, और अगर इस देश का संत समाज, इस देश के पूज्य संत राम मंदिर आंदोलन के, राम मंदिर के विषय पर, राम मंदिर आंदोलन में अगर कोई सम्मेलन करना चाहते हैं, संत सम्मेलन करना चाहते हैं, राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है, अगर उनको लगता है कि जल्दी फैसला आना चाहिए, बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी फैसला दिया है, बहुत सारे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए फैसले सुने गए हैं, डिस्कशन हुआ और निर्णय आए। आगामी 25 नवंबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की तैयारी की है। इस बार चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, मुस्लिम समाज हो, संत समाज हो या राजनीतिक दल हो, सब तरफ से इस मंदिर आंदोलन को लेकर के घेराबंदी शुरू हो गई है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष इस बार बैकफुट पर है। विपक्ष राम मंदिर आंदोलन में कभी किसी भी तरह से बोलना नहीं चाहता है, वो उसको डर है कि अगर हम राम मंदिर आंदोलन में बोलते हैं तो उसका नुकसान उसको हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन कितना रंग लाएगा, मंदिर निर्माण होगा या केवल राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।